नमस्कार दोस्तों, सुबह उठकर चलते समय एड़ियों में आपके यदि दर्द होता है तो आइए इसके कारण, लक्षण और इलाज जान लेते हैं। बहुत ही जरूरी है क्योंकि सुबह के समय होने वाली एड़ी के दर्द के पीछे कई बार कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को समस्या हो रही है तो उसे जल्द से डॉक्टर संपर्क कर लेना चाहिए। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें शुरू में हम शुरू से नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में वो ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं। कुछ लोग अक्सर सुबह के समय एड़ियों में तेज़ दर्द की शिकायत करते हैं और सुबह उठने के कुछ देर बाद तक उन्हें चला भी नहीं जाता। कुछ लोग एड़ियों में इतना दर्द होता है ज़मीन पर पैर रखते ही चीख निकल जाती है। ऐसी स्थितियों को अनदेखा करना कई बार महंगा पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह के समय में होने वाला एड़ियों का दर्द ज़रूरी नहीं है कि सभी मामलों में सामान्य हो, कई बार यह गंभीर भी हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कैसे क्या होता है, एड़ियों में दर्द होने के लक्षण क्या क्या हैं। वैसे तो एड़ियों में दर्द होना अपने आप में एक लक्षण है, लेकिन अक्सर इसके साथ कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, वो माइंडसेट से आपको बताते हैं। एड़ी की हड्डी को छूने पर तेज दर्द होना, सुबह के समय पैर जमीन पर रखने से तेज दर्द होना, दर्द के साथ चुभन महसूस होना, हर समय हल्का दर्द रहना, एड़ी में सूजन व लालिमा दिखाई पड़ना, एड़ी की हड्डी दिखने में असामान्य होना। मेन कारण इसका यह है कि सुबह के समय एड़ियों में दर्द होना आमतौर पर मांसपेशियों में अकड़न व ऐंठन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कई बार यह किसी गंभीर समस्या का संकेत दे सकती है। आपको एक बीमारी है जो प्लांटर फैसियाइटिस के नाम से जानी जाती है। पैर के तलवे में एक मोटा पट्टा होता है जो एड़ी की हड्डी को पैर की उंगलियों व अंगूठे के साथ जुड़ने का काम करता है। जब इस पट्टे में सूजन व लालिमा आ जाती है तो उस स्थिति को प्लांटर फैसियाइटिस कहा जाता है। कई बार यह सूजन पूरे पैर के तलवे में फैल जाती है जिससे एड़ी में भी गंभीर दर्द होने लगता है और मरीज पैर को जमीन पर नहीं रख पाता है। स्पोर्ट्स गतिविधियों में भाग लेने वाले लोगों के अधिक देखा जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, स्वप्रतिरक्षित रोगों से जुड़ा गठिया एक प्रकार का है। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किसी गड़बड़ी के कारण शरीर के जोड़ों को नुकसान पहुंचाने लग जाती है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कोई इलाज नहीं है। हालांकि अगर समय रहते देखभाल की जाए तो शायद इसे रोका जा सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी बीमारी है जो हड्डियों में कमजोरी होने की स्थिति में ऑस्टियोपोरोसिस भी कहा जाता है। अगर किसी कारण से व्यक्ति की हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं तो उसकी एड़ियों में दर्द होने का खतरा बढ़ जाता है। इलाज क्या है दोस्तों, हम लोग ज़िंदगी में बहुत परेशान होते हैं हर बीमारियों से, तो आपको उनका इलाज के बारे में बताते रहेंगे। आप परेशान बिल्कुल ना हो, आपको यदि अच्छा लगता हो या फिर कोई जानकारी पूछनी है तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपकी एड़ियों में हल्का दर्द है और सुबह के कुछ समय से चला नहीं जा रहा है तो इसे कुछ घरेलू उपायों के साथ ठीक किया जा सकता है, जैसे गर्म सिकाई और गुनगुने पानी में नमक डालकर सिकाई करना। हालांकि अगर आपको लगातार एक या दो दिन से यह समस्या हो रही है तो घरेलू दवाओं से ठीक नहीं हो पा रही है तो आप ऐसे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसका एक्सरे जाँच करवानी चाहिए, उसको डॉक्टर को दिखा करके आपको सलाह लेनी चाहिए और आप इस प्रकार से बच सकते हैं। यदि आप समय रहते उसका इन चीज़ों का डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे तो आपको आपकी जो समस्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों निवेदन यही है कि यदि घर की दवाओं से नहीं ठीक हो रही है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखा लें। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।